हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेनल्ट ट्रेवर RXL जो न्यू वेरिएंट है उसका एसी फीचर्स के बारे में बताऊंगा। एसी का फीचर्स, एसी का कंट्रोल्स के बारे में बताऊंगा। ये सिर्फ RXL रेनल्ट ट्रेवर के लिए ही नहीं है, रेनल्ट का दूसरा जो मॉडल है जिसमें मैनुअल एसी आता है तो उसका कंट्रोल भी रिगार्डिंग सेम है इस मॉडल से। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर। चलिए पहले गाड़ी को इग्निशन ऑन कर देते हैं। गाड़ी का इग्निशन ऑन हो गया। पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। न्यूट्रल में है मेरा गाड़ी, हैंड ब्रेक लगा हुआ है। चलिए इसका इग्निशन ऑन हो गया। अब बात करते हैं एसी का। तो ये जो आप कंसोल देख रहे हैं, ये तीन जो है ये एसी का कंट्रोल है मेनली। एसी का रेनल्ट ट्रेवर RXL में पीछे में एसी वेंट्स नहीं मिलता है, जो भी मिलता है इधर मिलता है। ये एक, मिडिल में दो और उधर एक, चार। और ये ऊपर वाला एक वेंट मिलता है। तो ये हो गया। अब आपको मैं कंट्रोल बताता हूँ इसका एसी का। तो पहला तो है ये वाला नॉब, ये जो ब्लू वाला दो लाइन दिख रहे हो और रेड वाला दो लाइन दिख रहे हो, एकदम लेफ्ट में जो लास्ट वाला जो पॉइंट है ये हो गया सबसे ठंडा, ठीक है। और जितना डाइने जाएंगे थोड़ा थोड़ा गर्म होता जाएगा। ये लाल शुरू होता है तो ये हीटर चालू होता है। तो हीटर का ये कम गर्म और इधर से जितना जाएंगे आप वो उसका गर्मी बढ़ता रहेगा। तो एकदम लेफ्ट में आएंगे, ये जो रेड वाला लाइन देख रहे हो एकदम लेफ्ट में आएंगे तो हो गया सबसे चिल, और एकदम राइट में जाएंगे तो ये हो गया सबसे हॉट। तो ऐसे आप हीटर और एसी को कंट्रोल कर सकते हो। पहला बात, मिडिल वाला जो देख रहे हो ये फैन का है, जीरो मतलब फैन बंद, एक दो तीन चार, ये फैन का स्पीड बढ़ेगा। आवाज आप सुन पा रहे हो कितना जोर से है इसका हवा, तो इससे आप फैन को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। पहले फैन ऑन करना है, उसके बाद इसको आप दबाएंगे तो इसका एसी ऑन हो जाएगा। ये देखिए लाल लाइट जल गया, मतलब एसी चालू है। तो जितना आपको ठंडा चाहिए उतना इसको वैसे उसके हिसाब से इसको आप घुमाइए, ठीक है। लेफ्ट में जितना जाएंगे तो उतना ठंडा होगा, जितना राइट में जाएंगे वो गर्म होता जाएगा। एकदम राइट में जाएंगे तो पूरा हीटर की तरह काम करेगा। ये विंटर एरिया में ये काम का है और विंटर सीजन में ये काम का है। अपने इंडिया में उतना इसका काम नहीं है, फिर भी जब फॉग रहेगा तब इसका काम आएगा। और ये वाला जो कंट्रोल आप देख रहे हो ये जो है हवा का डिरेक्शन के लिए। तो पहला एकदम लेफ्ट वाला जो है उसका मैं बात करूंगा। ये जो आप एरो देख रहे हो ये सर की तरफ है, मतलब इसको आप सिलेक्ट करोगे तो आपका मुंह की तरफ हवा आएगा। सेकंड वाला जो है देखिए, एक एरो मुंह की तरफ है, एक एरो लेग की तरफ है। तो मतलब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो हवा मुंह के तरफ और पैर के तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन करोगे तो नीचे का जो एक वेंट होता है, आपको दिखेगा कि नहीं पता नहीं, नीचे एक वेंट होता है साइड में, तो वहां से सिर्फ पैर की तरफ आपको हवा आएगा इस डायरेक्शन में। ये वाला करेंगे तो पैर के तरफ आएगा और ये वाला वेंट से हवा निकलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला करेंगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन में हवा निकलेगा, ठीक है। ये वाला हम कब काम आता है इसका, जब ये ग्लास में फॉग हो जाता है अंदर से, ठीक है, तब आपको ये हीटर को चालू करना है, ठीक है, गर्म करना है इसको और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है ताकि ये फॉग जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों नॉब का मैं काम बता दिया। जो लास्ट आता है ये नॉब आता है, इसका क्या काम होता है इसको आप देखिए। ये वाला जो है इसका जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो गाड़ी का अंदर का हवा सिर्फ सर्कुलेट होगा सामने से पीछे तक, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करेंगे तो बाहर का जो चैनल होता है वो ओपन हो जाएगा, मतलब बाहर का हवा अंदर आएगा और अंदर का हवा बाहर जाएगा, ऐसे ये रोटेट होता रहेगा। तो ये हो गया एसी का पूरा कंट्रोल।
कैसा लगा आज का आपका वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना, और स्टे कनेक्टेड फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।